हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, इसमें लिखा हुआ कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पी एक्स का मान 0 ले लेते हैं। जैसे बनाते हैं इसको, देखिए पी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिए, पहले भी लिख सकते हैं कि माना पी एक्स इजिकल टू 0, ठीक है। तो पी एक्स का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसको उठा दीजिए, एक्स प्लस 5 इजिकल टू 0। उसके बाद एक्स इजिकल टू प्लस 5 है तो दूर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 5। ये क्या हो गया आपका आंसर। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि माना पी एक्स इजिकल टू 0। तो पी एक्स का वैल्यू है आपका एक्स माइनस 5 इजिकल टू 0। तो उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू, एक्स इधर है तो माइनस 5 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ प्लस 5, तो ये भी आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, 2x प्लस 5, तो पी एक्स इजिकल टू क्या लिखेंगे, 0। पी एक्स का वैल्यू जो है क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 5 इजिकल टू 0। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2x इजिकल टू 0 यहाँ पे है, प्लस 5 तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस 5। फिर उसके बाद आप देखिए कि x इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 5 बचा है और ये 2 इधर जाके क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये माइनस 5 बाई 2, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, चूँकि पी एक्स का मान हम क्या ले रहे हैं, 0, तो 3x माइनस 2 इजिकल टू क्या होगा, 0। पी एक्स का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो फिर 3x ये माइनस 2 दे जाके क्या हो जाएगा, प्लस। फिर x इजिकल टू 2/3, तो ये x का वैल्यू क्या निकल गया, x बाय 2/3। तो ये अब लिख सकते हैं कि बहुपद पी एक्स का जो शून्यक है वो 2/3 है। इस समय भी लिख सकते हैं सारे क्वेश्चन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखें, तो क्वेश्चन नंबर 5 में है पी एक्स इजिकल टू 3x, तो यहाँ पे आप पी एक्स इजिकल टू क्या ले रहे हैं, 0। हर क्वेश्चन में लिखना जरूरी नहीं है, एक दो क्वेश्चन में माना लिख दिए हैं, आप लिखिए अथवा ना लिखें फिर भी चलेगा। तो पी एक्स का वैल्यू क्या है, 3x, तो यहाँ पे 3x लिखेंगे और यहाँ पे 0, तो x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0/3, 0/3 हो जाएगा। तो 0/3 इजिकल टू क्या होता है, 0। 0 को अगर किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो वह 0 ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 6 का, पी एक्स इजिकल टू ए एक्स दिया हुआ और ए इजिकल टू नॉट टू 0, यानी कि हमको ए का मान जो है नहीं निकालना, हमको एक्स का ही मान निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना पी एक्स इजिकल टू 0, तो पी एक्स का वैल्यू ए एक्स इजिकल टू 0, तो एक्स का वैल्यू निकालने बोला है, तो एक्स का वैल्यू निकाल देंगे तो 0/ क्या हो जाएगा, ए इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये भी क्या हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर जो है 7 को देखिए, आसान है, सारा क्वेश्चन आसान है। तो पी एक्स इजिकल टू क्या हो लेंगे, 0, आप लिख लीजिएगा। तो फिर पी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी इजिकल टू 0। क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में कह रहा है कि सी इजिकल नॉट टू 0 है, तो हम सी का मान नहीं निकालेंगे और डी भी वास्तविक संख्या है, तो डी का भी मान नहीं निकालेंगे, तो हम एक्स का मान निकालेंगे। तो एक्स इजिकल टू प्लस डी है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस डी। फिर यहाँ हो जाएगा एक्स, सी आ जाएगा नीचे, माइनस डी यहाँ पे, सी को इधर ले आएंगे नीचे, तो माइनस डी बाई सी, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। पी एक्स इजिकल टू 0, फिर पी एक्स का मान सी एक्स प्लस डी यहाँ पे रखे, फिर 0, फिर डी प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर सी एक्स यहाँ रहेगा, फिर एक्स सी आ करके नीचे चले आएगा, तो ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से सारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।